मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूँगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊँगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूँगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। बहुत खुश हूँ मैं, आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड ऑल आई विल से इज दैट आई वोंट लेट देम फील हिज एब्सेंस, एज ही सेड ही विल कम मेनी टाइम्स विद मी, बट आई विल वर्क एज हार्ड एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी एंड टू बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव। और रायबरेली के साथ तो मैं, मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता, उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं। और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को दो सांसद मिल रहे हैं, सिंपल सी बात है। आपके पॉलिटिकल लाइफ का इलेक्टोरल डेब्यूट है, हर राजनेता चुनाव में जाना चाहता है, पहली बार चुनाव में जा रही है, क्या कहेंगी इस बारे में, किस तरह की आपकी जो इस समय भावना है? एंड आर यू नर्वस? नॉट एट ऑल। आई एम नॉट नर्वस एट ऑल। राय मैंने भाई को दे दी है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे जल्दी करूँगा। ओके।